वैसे अगर देखा जाए तो पुलिस का काम होता है जनता की सुरक्षा करना, सहायता करना और अपराधियों पर लगाम लगाना। पुलिस अक्सर इन कामों को अंजाम बखूबी देती भी है, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं, ऐसे आरोप सामने आते हैं कि पुलिस की वर्दी पर ये आरोप धब्बा होते हैं। फिलहाल बात हो रही है उदयपुर की। उदयपुर में हिरन मगरी थाने के एक कांस्टेबल अनिल विश्नोई पर देर रात एक व्यक्ति के घर में घुसकर महिलाओं से अभद्रता, तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कांस्टेबल अनिल विश्नोई सादे ड्रेस में और एक किसी अन्य व्यक्ति के साथ, जिसका नाम देवेंद्र शेखावत बताया जाता है, वो है और घर के अंदर वो अभद्रता करते हुए दिख रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति प्रेम सिंह और उनके पुत्र देवेंद्र सिंह चौहान ने बुधवार को जिला पुलिस उप अधीक्षक के सामने पेश होकर एक ज्ञापन दिया। देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि वो और उसके बहनोई फतेह सिंह एक फाइनेंस कंपनी मेगामा में एजेंट हैं और यहाँ की एजेंसी, ये जो एजेंसी है वो देवेंद्र सिंह शेखावत ने ली हुई है। पिछले 4 महीनों से वो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सैलरी और जो दूसरा अलाउंस होता है, पेट्रोल खर्च आदि, वो अभी तक उनको नहीं दिया। ये मांगने पर उनको धमकी मिली। कल रात यानी मंगलवार की रात को देवेंद्र सिंह शेखावत देवेंद्र सिंह चौहान के घर पुलिस कांस्टेबल अनिल विश्नोई के साथ में जबरदस्ती घुस आया और उसको उठा लेने की बात करता है। वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के अंदर माँ भी है जो कि पुलिस कांस्टेबल देवेंद्र सिंह शेखावत है, उसको समझा भी रही है। देवेंद्र सिंह शेखावत उसकी माँ को चुप कराने की बात भी कहता हुआ वीडियो के अंदर दिख रहा है, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। वारंट लिया मेरे खिलाफ, वारंट लिया मेरे खिलाफ, वारंट बोतल जाओ। पुलिस होने से क्या है, मेरे भी इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। बाहर चलो, बुलाओ लाइव, मेरे मम्मी को चलो चलो। अरे ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका, मेरे को घर से भाभी बुला दे, भाभी भाई जी बुला दे, बाहर पड़े हाथ पड़े मन नहीं। अरे यार गजब कर रहे हो यार, वीडियो देखने के बाद में ये बात तो साफ है कि पुलिस कांस्टेबल बिना वर्दी के देवेंद्र सिंह चौहान के घर पहुंचा और अभद्रता की। अब आगे सुनिए कि घटनाक्रम क्या हुआ, देवेंद्र सिंह चौहान खुद बता रहे हैं। हाँ सर, मेरा नाम देवेंद्र सिंह चौहान है, ये मेरे पिताजी हैं, रिटायर्ड पुलिस कर्मी हैं, 2018 में रिटायर्ड हुए हैं। और मैं एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था जिसका नाम है मेगमा फाइनेंस। उस फाइनेंस कंपनी में कम से कम मैंने लॉकडाउन में हर चीज़ में राजसमंद जिला और उदयपुर लोकल जिला, मैंने जिसमें खेरवाड़ा संबंधी सारे क्षेत्र आ जाते हैं, उसमें मैं काम करता था। जो देवेंद्र सिंह शेखावत करके मेगमा फाइनेंस का डीएसएल उसने ले रखा है, उसके एजेंट थ्रू, एजेंट के लेवल पर मैं काम करता था। तो हमारी सैलरी फिक्स की गई थी कि 20,000 मेरा और 5,000 पेट्रोल कन्वेंस का अलग से देंगे, और फतेह सिंह जी जो कि ये मेरे कमर साहब हैं और इन्होंने 15,000 रुपये जो भी थी मेरे सैलरी के फिक्स, और 8 महीने से मुझे सैलरी नहीं दी गई। और जब मैंने सैलरी मांगी तो ये कहते हैं कि अब तुम फ्रॉड हो, तुमने लोगों का पैसा खाया है, ये किया है, वो किया है, और हमारा उल्टा हमारे ऊपर ही केस मुकदमा करवाने की बातें कर रहे थे। कुछ टाइम पहले 8-10 को मैंने घर पर था, नहीं था, मैं बाहर था, तो ये देवेंद्र सिंह शेखावत जो कि इसका डीएस है, वो घर पर आया 4-5 जनों को लेकर के, और मेरे मम्मी और मम्मी मेरे वगैरह से सबसे अभद्रता का व्यवहार किया। पुलिस वाला आया शाम को, रात को 8 बजे, बताओ वर्षादी वर्दी में। पहले जो कंप्लेन दी थी वो मैंने, वो कल रात कर को मैं सोया हुआ था, मेरे को बुखार था, और मेरे पापा जो गए हुए थे हार्ट पेशेंट है, ये भी दवाई लेने, घर पे कोई नहीं था, मैं, मेरी वाइफ और मेरे मम्मी थे। और रात को आया ये पुलिसकर्मी है जिसका नाम है हिरन मंगरी थाने से अनिल विश्नोई करके, सिविल ड्रेस में आया, और रात को दोनों नशे में थे, दूध थे, और इन्होंने आकर के मेरे घर पर अभद्रता का व्यवहार किया, मेरी मम्मी से खिनाखानी करी, मेरे मिसेज से खिनाखानी, मेरे बच्चे डरे हुए हैं, और उसका एविडेंस जो कि मैंने समय रहते अपना मोबाइल से मैंने रिकॉर्ड कर लिया, जो शूट किया है वो मैंने अभी दिया है। और मैं चाहता हूं कि इसे भ्रष्ट कर्मी जो पुलिस कर्मी है, जो निलंबित किया जाए,
निलंबित किया जाए और उस तरीके से मेरे साथ जो व्यवहार किया है, घर में तोड़फोड़ करी है, तोड़फोड़ का पूरा वीडियो से लेके हर चीज़ का एविडेंस मेरे पास है। मैं मांग करता हूँ महिलाओं के साथ इस तरीके का किया गया, मैं मांग करता हूँ ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले जो कि हमारी सुनवाई के लिए हुए हैं वो हमारे घर में आकर के और साथ न्याय दिलवाने की मांग करता हूँ। ठीक, सुना आपने पूरा मामला। अब ऐसे ही समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये पैसों की लेन देन का मामला है। अगर फाइनेंस कंपनी वाला देवेंद्र सिंह शेखावत, देवेंद्र सिंह चौहान से रुपये भी मांगता है तो सारा काम लीगल तरीके से भी हो सकता है, पुलिस में लिखित शिकायत क्यों नहीं करता? अगर पुलिस में लिखित शिकायत भी की तो फिर इस तरह से रात को पुलिस कांस्टेबल के साथ में राठौड़ी में क्यों धमकाने पर उतारू है? ये सारा मामला जांच का विषय है कि पुलिस कांस्टेबल जिसका वीडियो वायरल हो रहा है अनिल विश्नोई, वो घर में किस बिहेव पे घुस के आया और किस बिहेव पे वो धमका रहा है, क्या किसी रिपोर्ट को लेके उसको आदेश थे कि घर में जाके उसको लेकर आए या गिरफ्तार करके लेके आए या किस तरीके से आदेश थे, ये सारे के सारे जाँच का विषय है। या फिर ऐसे ही घर में घुस के पुलिस के दम पर वो धमकी दे रहा है, ये सारा के सारा जांच का विषय है। अधिकारियों को इसमें निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई आगे करनी चाहिए, तभी आम जन में विश्वास बढ़ेगा और अपराधियों में डर बढ़ेगा। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।